फिल्म लेखन है और फिल्म बनाना है फिल्म प्रोडक्शन जो है जी बहुत महंगा सौदा है बहुत महंगा है और विकी डोनर हो पीकू हो ये डर नहीं लगा कि अगर ये आइडिया दें रिजेक्ट हो जाए या अब चलिए अप्रूव भी हो गया तो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा मैं ये बोलूँगी कि विकी डोनर से या पीकू से पहले Um, ऐसा मैंने कोई बड़ा um, ज़बरदस्त काम करा नहीं था एज अ राइटर और ज़्यादा मुश्किल है फिर तो नहीं नहीं मुश्किल बहुत ज़्यादा था लेकिन क्या होता है कि जो इस्टेबलिश uh, राइटर्स होते हैं शायद उनके लिए बहुत कुछ है स्टेक uh, पे उनकी रेपूटेशन है उनकी uh, उनका पिछला काम है मेरा कोई पिछला काम नहीं था तो हिम्मत तो पूरी थी और ये भी था कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं लिख रही हूँ मैंने सोचा मैं जब पूरी स्क्रिप्ट हो जाएगी स्क्रीन पर रेडी हो जाएगा जब ख़ुद को पढ़ के ऐसा लगेगा कि अब ये किसी और को पढ़ाने लायक है तभी पढ़ाऊँगी लेकिन जो आपने बात बोली कि डर नहीं लगता तो आ, मैं मैं यही सोचती हूँ कि जब बेमल रॉय बना रहे थे फ़िल्म जब दो बीघा ज़मीन बनाई उन्होंने या उन्होंने बंदनी बनाई या अबरार अलवी ने ये लिखी थी फ़िल्म आपकी गुर्दत्त की प्यासा तो मुझसे कहीं ज़्यादा हिम्मती लेखक और आ, फिल्म निर्देशक पहले हो चुके हैं जिन्होंने इस वो वो फिल्म हम उसे फिल्म ज़रूर बोल रहे हैं पर वो तो साहित्य है प्यासा फिल्म साहित्य है दो बीघा ज़मीन एक साहित्य का पन्ना ही है या मदर इंडिया जब बनी तो मुझसे वो हमसे कई साल पहले ये सारे लोग हिम्मत के काम कर चुके हैं तो उनको गुरु मान के सत्यजीत रे उनकी एक एक फिल्म चाहे वो महानगर देख लीजिए चाहे आप आ, आ, ये गौरे बाहरे देखिए कोई भी फिल्म देखिए वो आ, जो ट्रिलिजी है आपो ट्रिलिजी है वो तो स्टेज सेट कर चुके हैं ऑलरेडी अब ये है कि डरते डरते अकेले कमरे में बैठ के लिख लिया और लिटरली अकेले कमरे में ही बैठ के लिखते हैं किसी को बताते नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं क्योंकि वो हिम्मत धीरे धीरे जुटाई जाती है एक शब्द के बाद दूसरा शब्द दूसरे शब्द के बाद तीसरा शब्द घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना और कई बार कुछ भी ना लिख पाना है हिम्मत का काम लगे रहना उस पर बट <laughs> uh, uh, कई बार उसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है <laughs> ऐसा भी लगता है मुझे नहीं लेकिन लेकिन ये अच्छी बात है कि हिम्मत का काम है संकट और परेशानी जूही जी ये होती है कि हम आइडियाज़ को डेवलप नहीं कर पाते ठीक है आपने कहा कि विकेट ओनर का आइडिया आ गया लेकिन उसे डेवलप कैसे करेंगे वो ताना बाना कैसे बुनेंगे वो कहानी Uh, कैसे रचेंगे उसके लिए? लिए उसके लिए जरूरी है देखिए विकी डोनर उस समय में एक लाइन खाली थी मेरे पास जो मैंने शरीर सरकार से डिस्कस करी कि एक लड़का है जो दुनिया भर में अपने स्पॉम्स डोनेट करता है और उसका अपना खुद का बच्चा नहीं हो पाता वो हंसे बात सुन के लेकिन मेरे दिमाग में इससे बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स थे उस समय मेरे पास मैं उनको कह नहीं पा रही थी कि जो सुनने में लग रहा है इससे कहीं ज़्यादा गहरा होगा और हुआ भी वही कि जब हम लिखने बैठते हैं एक एक सरफ़ेस लेवल पे एक सतह पे कोई चीज़ होती है और थोड़े दिन उस ख्याल के साथ उस थॉट के साथ उस आइडिया के साथ अपने आप को एक कमरे में जैसे बंद कर लेने वाली बात होती है वो करना पड़ता है सोचना पड़ता है और बहुत सोचना पड़ता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो निकल के आ सकता है बाहर क्या इसमें कोई गहराई है क्या इसमें इस, इस आइडिया पे जो किरदार लिखे जाएंगे जो माहौल बनाया जाएगा क्या वो लोगों तक उसी तरीके से पहुँच सकता है जिस तरह से मैं सोच रही हूँ अपने मन में क्या दो घंटे की पिक्चर बनने लायक इसमें मैटर है या नहीं कई बार होता है बहुत अच्छा सा आइडिया आता है लिखने बैठते हैं और फिर लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं बात उस समय एकदम से लगा स्पार्क है इस चीज़ में पर नहीं था उस चीज़ में ऐसे कई सारे आइडियाज़ आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं लेकिन जो जो सच में होते हैं वो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं फिर आप उनसे भाग ही नहीं सकते आप सोचेंगे कि नहीं अभी मुझे नहीं सोचना है मैं कुछ और सोचूंगा बैठ के वो आप नहीं कर पाएंगे वो आता ही रहेगा दस्तक देता रहेगा आपके दिमाग में कि नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ सोते जगते हर जगह आप जाएंगे कभी मैगज़ीन खोलेंगे उससे रिलेटेड कुछ मिलेगा आप लोगों से बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ मिलेगा तो जो कहते हैं कि स्टोरीज़ आपको चुनती हैं या आइडियाज़ आपको चुनते हैं वो ग़लत नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि नहीं तो बह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं फ़िल्मों में या उसके अलावा भी और आदमी सोचता है ये कैसे लिख ली इस आदमी ने